नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोज मिलती हैं। दोस्तों जैसा कि आज आप मेरे बैकड्रॉप में देख सकते हैं कि मैंने गूगल की वेबसाइट खोल रखी है, तो आज मैं SBI इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, जिसको कि हम SBI एक्सेस US इंटरनेशनल फंड भी कहते हैं, इसका आज मैं रिव्यू करूंगा और आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आखिर इंटरनेशनल फंड्स का रिव्यू कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ नॉलेज गेन होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्सअप जरूर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों गूगल पे मैं टाइप कर दूंगा SBI म्यूचुअल फंड, अंतिम में होगा दोस्तों KIM लिखना आप मत भूलिएगा। इसके बाद में आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक को आपको ओपन करना है, जिसपे ये SID_KIM लिखा हुआ, इस लिंक को ओपन करना है। तो इससे आपको एक PDF मिल जाएगा। अब सारा इन्फॉर्मेशन इसी 83 पेजेस के PDF में है, तो हमें ऐसा नहीं है क्या कि हमें इस पूरे 83 पेजेस को पढ़ना है, बिकॉज इसमें से हमें सिर्फ 15 से 20 पेज इंपॉर्टेंट है, बाकी के जो भी पेजेस हैं वो फॉर्म्स हैं और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो दिए हुए हैं। तो हमें पहले 15-20 पेजेस को पढ़ना है कि आखिर ये SBI म्यूचुअल फंड, जिसे हम SBI इंटरनेशनल एक्सेस US इक्विटी FOF कहते हैं, आखिर इसमें है क्या। तो इस PDF पे कुछ अच्छे से पढ़ाई करने के लिए दोस्तों, इस PDF को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, जिसको मैं यहाँ पे अदर स्क्रीन में खोल देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि PDF खुल चुका है और जो भी इसमें हाइलाइट्स है इसको मैंने पहले ही से हाइलाइट कर दिया है, ताकि मैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको जल्दी जल्दी बता दूं। तो चलिए अब चलते हैं इस पर्टिकुलर PDF की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लिखा हुआ FOF, यानी कि ये एक फंड ऑफ फंड है। ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का कोई भी खुद का पोर्टफोलियो नहीं है, इसका बस एक कलेक्शन सेंटर का काम है, यानी कि ये हमसे पैसा कलेक्ट करती है और आगे जाके किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देती है। तो आगे जाके कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है वो हमें इस पर्टिकुलर PDF से पता चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके और भी कुछ डिटेल्स पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाईलाइट कर रखा है मैंने कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए बना हुआ है एंड इन्वेस्टमेंट्स इन यूनिट्स ऑफ US फोकस्ड ओवरसीज इक्विटी फंड, यानी कि ये US बेस्ड जो भी इक्विटी फंड्स हैं उसमें जाकर के इन्वेस्टमेंट करता है। जहां तक इसके रिस्कोमीटर की बात है तो ये वेरी हाई रिस्क पे है। आपको हमेशा एक बात बार बार बताता हूँ कि ये जो भी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, और अगर आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा बिल्कुल ना करें। और सबसे पहले आप जो भी हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के जो भी मेजर कैटेगरीज है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर लें। उसके बाद में अगर आपके पास में कुछ पैसा बचता है तभी जाकर के आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए अब इसके कुछ और भी डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि इसका जो यूनिट्स है, जो कि NFO पे आया था, वो हर यूनिट का दाम 10 रुपये से अभी शुरू हो रहा है, और इसका NFO आया था ऑलरेडी 1 मार्च को और क्लोज हो चुका है 15 मार्च को। तो अब आप ये सोचोगे कि इस फंड का NFO तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, मैं जाकर के अभी आपको क्यों बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर फंड का। तो इसका डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने इस पर्टिकुलर फंड का रिव्यू इतना लेट क्यों किया है, लेकिन अभी घबराने की कोई बात नहीं है। इस फंड का जो इनिशियल NFO है वो मार्च 1 से लेकर के मार्च 15 तक था। ये जैसे ही लिस्ट हो जाएगा आने वाले 1-2 वीक के अंदर में ये लिस्ट हो जाएगा, तो आप इसको ओपन मार्केट से या SBI की वेबसाइट से डायरेक्टली खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ कि स्कीम रीओपन्स ऑन और बिफोर विदिन 5 डेज ऑफ अलॉटमेंट। तो जैसे ही NFO के अलॉटमेंट्स आ जाएंगे उसके 5 दिन के बाद में आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं। तो चलिए इसके और भी कुछ बेसिक डिटेल्स पे ध्यान दें। तो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, द स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बाय इन्वेस्टिंग इन यूनिट्स ऑफ वन और मोर म्यूचुअल फंड स्कीम्स और ETF, यानी कि ये ETF में इन्वेस्ट करेगा और आगे जाके किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। इसका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई भी स्टॉक्स में नहीं होगा, US बेस्ड स्टॉक्स में नहीं होगा। और जहां तक इसके एसेट एलोकेशन की बात है तो ये अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे म्यूचुअल फंड्स में करेगा जिसका एसेट एलोकेशन 95% का इक्विटी में हो। तो ये इसका एक कंडीशन है क्या कि ये ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करेगा जिसका कि 95% का जो भी एक्सपोजर है वो US के इक्विटीज़ में हो। तो चलिए अब आते हैं सबसे इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जिसको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से डिनोट कर रखा है। इसमें ये लिखा हुआ कि SBI इंटरनेशनल एक्सेस US इक्विटी फंड, ये आगे जा कर के M&D फंड्स US पायोनियर फंड में जाके इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये फंड ऑफ फंड है, ये आगे जाके किसी म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करता है। तो ये आगे जाके M&D फंड्स US पायोनियर फंड में जा कर के इन्वेस्टमेंट
करता है। तो अब सबसे बेसिक बड़ी बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि SBI इंटरनेशनल फंड खुद का कोई पोर्टफोलियो हैंडल नहीं करता है, ना तो ये खुद का कुछ स्टॉक्स भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये बस हमसे पैसा कलेक्ट करता है। तो आगे जाकर के हम लोग एमुंडी फंड्स US पायनियर फंड का ही परफॉर्मेंस देखेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है कि नहीं। अगर ये म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं होगा तो SBI का इंटरनेशनल फंड जो है वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, वो भी आपको अच्छा रिटर्न निकाल के नहीं देगा। और अगर ये म्यूचुअल फंड अच्छा है तो हम ये मान सकते हैं क्या कि SBI का म्यूचुअल फंड भी हमें अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। तो चलिए अब बढ़ते AUM को लेकर के, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को लेकर के बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बहुत सवाल होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ क्लियर कर दूंगा जिससे कि आपके कुछ नॉलेज में भी गेन होगा। एज पर SEBI गाइडलाइंस जो भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है वो $7 बिलियन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और इस $7 बिलियन का मतलब है कि जो भी इंडिया से जो भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो $7 बिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें से हर म्यूचुअल फंड $600 मिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। यानी कि $600 मिलियन का मतलब होगा कि अगर $1 को हम जस्ट फॉर एग्जाम्पल ₹70 का मान लें तो 4200 से लेकर के 4500 करोड़ से ज़्यादा का कोई भी म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड का AUM नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर SEBI ने कुछ एक और रिलैक्सेशन दिया है कि अगर आपका AUM $600 मिलियन से ज़्यादा का हो जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो वो उसके बाद में जाकर के $200 मिलियन का और भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है US में। लेकिन आप उस $200 मिलियन को किसी भी US बेस्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना कि म्यूचुअल फंड में। यानी कि हर म्यूचुअल फंड $600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर सकती है प्लस $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ETF में कर सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके कुछ और डिटेल्स के ऊपर में। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है एक्सपेंस रेशियो का। दोस्तों आपको एक्सपेंस रेशियो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझने की जरूरत है। जैसे कि SBI इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड एक टाइप का FOF है, तो इसका खुद का एक भी खर्चा होता है जो कि इसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं हम। और ये आगे जाके जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है उसका भी एक एक्सपेंस रेशियो होता है। तो कुल मिलाकर के दो एक्सपेंस रेशियो हो गए, एक SBI का खुद और एक ये आगे जाके जिस MND US पायोनियर फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका खुद का एक एक्सपेंस रेशियो हो गया। तो अब आपको दोनों एक्सपेंस का जो एडिशन है वो आपको पे करना है। और इसके ऊपर में SEBI ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है क्या कि कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड 2.25% से ज़्यादा का एक्सपेंस रेशियो नहीं रख सकती है, ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर भी एक सब कंडीशन है। मान लेते हैं क्या कि SBI आगे जाकर के US पायोनियर फंड में इन्वेस्ट कर रही है, तो US पायोनियर फंड का जो भी एक्सपेंस रेशियो होगा तो उस एक्सपेंस रेशियो का बस 2 गुना ही SBI चार्ज कर सकती है आपसे। तो एक हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं MND US पायोनियर फंड SBI से 0.75% का आपको एक्सपेंस रेशियो ले रहा है, तो एज पर SEBI गाइडलाइंस SBI आपसे मैक्सिमम 0.75 का 2 गुना चार्ज कर सकती है, यानी कि 1.5% एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज कर सकती है। तो अब टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना हो गया, 0.75 प्लस 1.5%, तो ये हो गया 2.25%, यानी कि इससे ज़्यादा तो वो चार्ज भी नहीं कर सकती है। अब मान लेते हैं क्या कि MND 1% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही SBI से, तो SBI अब सोचेगा कि एज पर SEBI गाइडलाइंस वो आपसे डबल एक्सपेंस रेशियो तो चार्ज कर सकती है, तो वो 2% का एक्सपेंस रेशियो आपसे अगर चार्ज करेगी तो आपके ऊपर में टोटल एक्सपेंस रेशियो हो जाएगा 2% ऑफ SBI का एक्सपेंस रेशियो प्लस 1% ऑफ MND फंड हाउस का एक्सपेंस रेशियो, यानी कि टोटल मिला के आपको 3% का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे जो उसका बेसिक रूल है SBI का वो काम करेगा। SBI कहता है कि कोई भी कीमत पे 2.25% से आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप एक बात समझ लीजिए क्या कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम SBI इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड 1.5% एक्सपेंस रेशियो रहेगा, इससे ज़्यादा का नहीं रहेगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे कुछ डिटेल्स के ऊपर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट प्लान में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें रेगुलर प्लान में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दोनों प्लान में आपको ग्रोथ एंड डिविडेंड का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। और जहाँ तक और भी डिटेल्स की बात है, तो जहाँ तक इसके लमसम की इन्वेस्टमेंट की बात है, तो आप ₹5,000 से इसमें लमसम शुरू कर सकते हैं और उसके बाद में ₹1,000 का आप इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जहाँ तक मिनिमम SIP की बात है, तो मोस्टली हम लोग मंथली SIP करते हैं, इसलिए तो मंथली में भी दोस्तों 2 कंडीशन है। अगर आपको 6 महीने का सिर्फ SIP चलाना है तो आपको ₹1,000 का मिनिमम SIP इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कम से कम 1 साल का SIP चलाना है तो आपको ₹500 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा SIP के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परफॉर्मेंस और स्कीम पोर्टफोलियो नहीं दे रखा है। वैसे भी इसका परफॉर्मेंस इसका खुद का नहीं होगा, जो MND का जो हम लोग आगे देखेंगे MND का परफॉर्मेंस कैसा है वही परफॉर्मेंस इसका परफॉर्मेंस होगा। और पोर्टफोलियो की जहाँ तक बात, तो अभी हम लोग आगे जाकर के MND का पोर्टफोलियो देखेंगे कि आखिर उसके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं।
और जहाँ तक इसके एक्सपेंसेस ऑफ स्कीम्स की बात आ गई तो एग्जिट लोड वही है, अगर एक साल से पहले आप बाहर आएंगे तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, एक साल के बाद में कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके आगे में और कौन से डिटेल्स हमें देखने हैं। तो इसके आगे में अब हमें कोई भी डिटेल्स नहीं देखना है, इसके आगे में बस उसके टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखे हैं, आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, गाइडलाइंस क्या है, और लास्ट में इसके सारे फॉर्म्स दे रखे हैं। तो अब हमें इसके बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हम इसका परफॉर्मेंस, इसका फ्यूचर में कैसा होगा, ये जानने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए हमको इसका जो अंडरलाइन म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एमुंडी यूएस पायोनियर फंड, उसका परफॉर्मेंस ट्रैक करना पड़ेगा कि आखिर वो पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया है, और उसी के बेसिस पर हम ये आकलन कर सकते हैं कि SBI फ्यूचर में कैसा रिस्पांस देगा, यानी कि वो कैसा हमें रिटर्न देगा। तो दोस्तों गूगल बाबा के पास मैं वापस से आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एमुंडी फंड्स यूएस पायनियर फंड, जो कि पेरेंट फंड है SBI एक्सेस इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड का। तो हमें बस एमुंडी फंड्स के बारे में जानने की ज़रूरत है, SBI तो बस एक टाइप का मेडिएटर है जो मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूँ। तो मैंने गूगल बाबा में इसके टाइप कर दिया है। अब आपको यहाँ पे ये करना है क्या कि आपको आना है मॉर्निंग स्टार वाले लिंक पे। तो मैंने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करके रखा है मॉर्निंग स्टार के वेबसाइट पे, और साथ ही साथ हमें अगर पता करना है क्या कि ये पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, तो ऑलरेडी जो भी फंड्स मार्केट में अवेलेबल है मैंने उसको भी यहाँ पे साइड में ओपन कर रखा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने PGIM जेनिशन का भी यहाँ पे वेबसाइट में ओपन कर रखा है, मैंने मोतीलाल ओसवाल को भी यहाँ पे ओपन करके रखा है, NASDAQ 100 ETF को भी ओपन करके रखा है, और ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड को भी मैंने ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग एमुंडी को देखेंगे कि आखिर इसका पोर्टफोलियो और रिटर्न्स कैसे हैं, और फिर हम लोग बाकी के साथ में इसका एक बार कंपेयर करेंगे, तभी हम ये पता कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एमुंडी US पायोनियर फंड के पास में। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसका फैक्टर प्रोफाइल देख सकते हैं, तो मोमेंटम यील्ड ओके है, अपने कैटेगरी के आसपास है, क्वालिटी भी अपने कैटेगरी के आसपास में है, वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी जो कि काफ़ी अच्छी बात है अपने कैटेगरी के आसपास है, कम है। तो यहाँ पे अब आगे चले तो आप यहाँ पे सेक्टोरल वाइज इसका इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में इसने 20% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्की लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में भी इसने 21% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और इसका मेजर इन्वेस्टमेंट है फिर कंज्यूमर साइक्लिकल में और उसके बाद में हेल्थ केयर में, तो मेजरली और इंडस्ट्रियल में भी इसका थोड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट है। तो मेजरली ये फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करता है, और दोनों को ऐड अप करेंगे तो मोर देन 40% का इन्वेस्टमेंट इनका इस दोनों सेक्टर में है। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि मुझे टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आने वाले एक दशक में टेक्नोलॉजी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो हमें पैसा बना करके देगा। और जहाँ तक फाइनेंशियल सेक्टर की बात है, ये इतना ज़्यादा वॉलेटाइल सेगमेंट है, ये इतना ज़्यादा वॉलेटाइल सेक्टर है, आप इसमें कभी भी चैन से बैठ नहीं सकते, ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल सेक्टर है। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चेंज कर ली, इकोनॉमी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर इम्पैक्ट हो जाता है। इसलिए मुझे अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर रहता तो मुझे इसका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता। तो चलिए अब इसके है ना हम लोग रिटर्न्स के ऊपर में बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम सब के लिए। तो टोटल रिटर्न्स पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि इसका जो एनुअल रिटर्न है 2014 में 24% के आसपास का है, 2015 तक इसका 9% का है, 11, 5, 1, 31, 10%। और यहाँ पे जहाँ तक इसकी रैंक इन कैटेगरी की देखें तो इसकी रैंक 69, 56, एक बार बस 2018 में ये 9th रैंक पे था जिस समय इसका रिटर्न 1.65% था। बाकी हर समय ये अपने कैटेगरी रैंकिंग में भी ये पर्टिकुलर फंड एमुंडी यूएस पायनियर फंड एवरेज ही रहा है, कोई खास इसकी रैंकिंग नहीं रही है। और जहाँ तक ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात है तो एक साल में इसने 53% का रिटर्न दिया है, और एनालाइज रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 साल में 19% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 14% का, और 10 साल में 13% का। दोस्तों जब आप अपने पैसे के ऊपर में इतना ज़्यादा रिस्क लेते हैं इंटरनेशनल फंड्स के एक्सपोजर में, और तब जाकर के आपको 15, 16, 17% का अगर रिटर्न मिले, तो वैसा रिटर्न से हमें क्या लेना देना। इतना रिटर्न तो हमारे यहाँ का कोई भी म्यूचुअल फंड दे देगा अच्छे कैटेगरी का। तो इसका रिटर्न भी ओके टाइप का है मुझे लग रहा है, और पोर्टफोलियो में भी जैसे मैंने कहा कि इसका फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, और मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हर इन्वेस्टर का अपना अपना थ्योरी होता है। और जहाँ तक इसके और भी डिटेल्स की बात करें तो उसका और डिटेल्स तो ख़त्म हो चुका है, पोर्टफोलियो ऑलरेडी हम लोग चले जा चुके हैं,
तो अब हम लोग इसको है ना कंपेयर करते हैं दूसरे फंड से कि जो ऑलरेडी इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल नैसडैक हो गया, उसके बाद में PGIM जेनिसन हो गया, यानी कि PGIM इंडिया ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड हो गया, उसके बाद में ICICI US ब्लू चिप फंड हो गया। तो इसके पोर्टफोलियो पे एक बार हम लोग जाते हैं, फिर हम लोग इसको दूसरे के पोर्टफोलियो से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे इसका पोर्टफोलियो मैंने वापस से ओपन कर लिया है, और यहाँ पे PGIM जेनिसन का पोर्टफोलियो ओपन कर लिया है, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का पोर्टफोलियो ओपन कर लिया है मैंने, और यहाँ पे ICICI US ब्लू चिप फंड का पोर्टफोलियो ओपन कर लिया। तो सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप से चलते हैं। तो इसका फाइनेंशियल सर्विसेज में 15% का इसका भी इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी में 17% का है, और अच्छा खासा सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट है, यानी कि सारा का सारा सेक्टर में अगर जो भी इसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम देखें तो 15-16% का इसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है हर कैटेगरी में, उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं है। जहाँ तक मोतीलाल ओसवाल का देखें तो मोतीलाल ओसवाल का टेक्नोलॉजी सेक्टर में 44% का इन्वेस्टमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा है अपने कैटेगरी एवरेज से, जो कि 10% का है। इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, अगर ये 35% के आसपास होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर मैं जैसा हमेशा कहता हूँ कि अगला एक दशक टेक्नोलॉजी सेक्टर का है, तो अगर ये इतना इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने कम्युनिकेशन सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट किया और कंज्यूमर साइक्लिकल में भी अप्रॉक्स 90% का इन्वेस्टमेंट है। तो इसका पोर्टफोलियो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मोतीलाल ओसवाल नैसडैक का। और जहाँ तक PGIM जेनिसन के पोर्टफोलियो का बात करें तो यहाँ पे दिखा दूँ, ये PGIM जेनिसन का पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पे इसने कंज्यूमर साइक्लिक में 35% का इन्वेस्टमेंट किया है और टेक्नोलॉजी में भी 34% का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि इस दोनों को ही अगर हम ऐड कर दें तो 70% का इन्वेस्टमेंट इसने कंज्यूमर साइक्लिकल और टेक्नोलॉजी में किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंज्यूमर साइक्लिकल भी कभी ख़राब नहीं होने वाला है, ये आगे के आने वाले सालों में बढ़ने ही वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने फाइनेंशियल सर्विसेज में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो जहाँ तक हम पोर्टफोलियो का कंपेयर करके देख सकते हैं तो हम ये मान सकते हैं ये जो एमुंडे का फंड है, ये अपना मेजर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में करते हैं, टेक्नोलॉजी में करते हैं, और कुछ कुछ इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर साइक्लिकल में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। और जहाँ तक बाकियों का इन्वेस्टमेंट मैंने देखा है, बाकियों का इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर साइक्लिकल में ज़्यादा है ये एक्सपोजर। और जहाँ तक इसके रिटर्न्स की वापस से बात करूँ मैं, तो इसके टोटल रिटर्न्स पे मैंने क्लिक कर दिया और इसके टोटल रिटर्न्स को मैं बापेक्की के फंड्स के रिटर्न से कंपेयर करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि ये रिटर्न यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो जहाँ तक मोतीलाल ओसवाल का ट्रेलिंग रिटर्न अगर हम लोग देखें तो एक साल में इसने भी 62% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 31% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 25% का दिया है, 10 साल में भी इसने 25% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम लोग रिस्क लेते हैं इंटरनेशनल फंड में और मुझे इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अब हम लोग इसको ICICI से कंपेयर करें तो ICICI ने भी पिछले साल में 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 साल में 22% का है, 5 साल में 17% का इसने रिटर्न दिया है। और जहाँ तक PGIM जेनिसन यानी कि PGIM इंडिया ग्लोबल फंड की बात करें तो इसकी कैटेगरी रैंकिंग भी आप देख सकते हैं कि 2, 5, 9, 3, यानी कि ये बहुत बार टॉप 5 रैंकिंग में ये शामिल रहा है, यानी कि या तो कहे टॉप 10 अपने कैटेगरी रैंकिंग में शामिल रहा है। और जहाँ तक इसके रिटर्न्स की बात करें तो फर्स्ट एक साल में ये 70% का इसने रिटर्न दिया है, 3 साल में 26% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में भी इसने 23% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न वाइज भी हम देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, और ईयर टू डेट आपको यहाँ पे -3.31% दिख रहा होगा। इसके पीछे में बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि ये जो PGIM जेनिसन था, ये पहले PGIM का एक एग्रीकल्चरल फंड था, जो कि बाद में ट्रांसफॉर्म होकर के PGIM जेनिसन ने इसको ओवरटेक कर लिया, लेकिन इसके रिसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में भी बताए हैं। और इसकी कैटेगरी रैंक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और आप यहाँ पर एनुअल रिटर्न्स भी आप इसका देख सकते हो, काफ़ी तगड़ा है। तगड़ा इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर के इसमें इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन बस मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ क्या कि SBI ये जो भी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड लेकर के आए हैं, ये आगे जाकर के इस जो M&D में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये मुझे ओके टाइप का लग रहा है। मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ कि मैं जाकर के इसमें इन्वेस्टमेंट कर दूँ, और बस यही कारण था कि जब ये NFO आया था मैंने इसका रिव्यू नहीं किया था, क्योंकि ये मुझे आगे जाकर के इसने ऐसे फंड्स को सेलेक्ट किया है जो कि अच्छा है, लंबे अवधि में चलेगा तो अच्छा खासा रिटर्न आपको निकाल के देगा, लेकिन इन कंपेरिजन टू ऑलरेडी प्रेजेंट फंड्स इन आवर मार्केट, जो भी हमारे मार्केट में अभी इंटरनेशनल फंड्स हैं, तो उसमें मैं जाके क्यों ना इन्वेस्ट करूँ, जो कि ऑलरेडी वेल प्रूवन है और जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें निकाल के दिया है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं रहता
अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने के क्राइटेरिया में रहता तो मैं इस इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड से तो दूर ही रहता, क्योंकि आप जैसे मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है क्या कि मुझे ना तो इसका पोर्टफोलियो पसंद है, ना तो मुझे इसकी रिटर्न्स पसंद है, और ना ही इसका कैटेगरी रैंकिंग पसंद है। और जहाँ तक इसके अदर फैक्टर्स भी आप जैसे वेबसाइट पे जाके चेक करोगे, सब अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास है, कोई भी अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा का नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू SBI US एक्सेस इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड का। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको पता लगा होगा कि आखिर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स को हम किस वेबसाइट से जाके कैसे ट्रैक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।